अब ये पोर्ट्रेट जो है 1938 से लगी हुई है, कोई नई पोर्ट्रेट नहीं लगी है, हमने कोई लगवाई हो ये पोर्ट्रेट या इस टाइम किसी आदमी ने लगवाई हो। जो पोर्ट्रेट 80 साल से लगी हुई है तो वहाँ पे बहुत सी पोर्ट्रेट्स लगी हुई हैं, हमें तो पता भी नहीं था कि पोर्ट्रेट लगी हुई है उनकी। और जिन्ना की पोर्ट्रेट जो है वो एक नॉन इशू है, इसलिए कि जिन्ना की पोर्ट्रेट जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में भी लगी हुई है, साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के साथ भी लगी हुई है। जो चीज़ 80 साल से लगी हुई है और किसी ने ध्यान नहीं दिया, एकदम से उसको क्यों मामले को उठाया जा रहा है? मैं तो नहीं समझता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व है। अभी लड़कों का एजिटेशन जो है, इसका जो है वो जिन्ना की पोर्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं। ये जब कुछ लोग आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया यूनिवर्सिटी के गेट के सामने, कुछ प्रोवोकेटिव स्लोगन्स रेस किए, तो उस पर जो है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो गए जा रहे थे थाना सिविल लाइन FIR लॉन्च करने के लिए, बीच में पुलिस ने रोका और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। तो ये लोग जो हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस जो इंजरीज हुई इनको उसके प्रोटेस्ट में कर रहे हैं, प्लस जुडिशियल इंक्वायरी का मामला रेस कर रहे हैं, और ये डिमांड कर रहे हैं कि जो लोग आए थे उस टाइम पे पीस डिस्टर्ब करने के लिए 2 मई को, उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो इस इनकी प्रोटेस्ट का जिन्ना की प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ रहा है कि साहब ये जैसे एजिटेशन इसलिए हो जिन्ना का पोर्ट्रेट लगे या ना लगे, तो ये जो है सही फैक्ट्स नहीं है।